कोई कहाँ तक कोई सही हम रखे, ये तो केंद्र सरकार को रखना चाहिए ना। अगर 14 दिन का लॉकडाउन किया तो मजदूर आदमी बैठ कर क्या कर सकता, इसको वापस भेजा जाए या कहना सोच। आज सरकार को चिंता सता रही है कि मजदूर जा रहा है, ये पहिया कैसे घूमेगा। ये कंपनी का पैसा जो हमारे देश को मजदूरी चलाता है, 75% लोग गाँव पे रहते हैं, यही भाई लोग मजदूरी करते हैं, किसी बहन बड़े आदमी का लड़का नहीं जाता मजदूरी करने, ना मेले ना विधायक ना मंत्री। आज तक पीएम हमारे कॉन्फ्रेंसिंग करके बात की है, आप पूछ लेना। हम इस वक्त बांदा जिला अस्पताल परिसर में खड़े हैं, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर पर्चे की लाइन पर खड़े हैं और इन मजदूरों का गुस्सा आज फूट पड़ा है। इन मजदूरों का साफ कहना है कि ये 1500-1500 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आए हैं, लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इनको यहाँ बैठे हुए 2.5 घंटे हो गए हैं, न तो इनके पर्चे बन रहे हैं, न इनकी कोई थर्मल स्क्रीनिंग करने वाला है। आखिर मजदूरों का गुस्सा क्यों नहीं फूटेगा। हमारे साथ कई मजदूर हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी समस्याएं क्या क्या हैं। इस वक्त आपके पीछे यहाँ पर लोग कितने मौजूद? अरे यहाँ पे तो बहुत आदमी है साहब। क्या समस्या हो रही है यहाँ पर? अरे पानी पीने की समस्या साहब, खाने की समस्या। और यहाँ मतलब जो है तो मेडिकल के लिए रोक के रखा है, जो है अभी तक कुछ कोई वो नहीं, 2.5 घंटे से बैठे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। खा रहे हैं, बोल रहे हैं, लाइन से खड़े हो ये 1 मीटर का फैसला। अब जाने कब तक खड़े रहेंगे हम लोग जो है। रमेश कहाँ से आए हो? वापी। यहाँ क्या समस्या हो रही है? यहाँ ये समस्या हो रही है, इधर से आके बैठे हैं अभी 2 घंटे हो गए, 12 बजे की इधर बैठे हैं, कब से इधर बोल रहे हैं लाइन पे खड़े हो ये, बस लाइन पे खड़े हैं। न तो इधर साला पानी पीने की कोई व्यवस्था है, न तो कुछ है। वहाँ से बोल रहे हैं जाइए उधर सरकारी अस्पताल में, खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, इधर पानी भी नहीं है, नल भी नहीं है, किधर जाके पिएंगे बताओ सर, क्या क्या करें हम। ए, गार्ड इधर गार्ड बैठे हो, लाइन से खड़े हो रहे हैं, बस बोलते हैं 1 मीटर का फैसला लगाइए, खड़े होइए। पेट के लिए उधर गए जो साले, खाना से एयर इंडिया में विदेशों से बड़े बड़े के लोग पैसे जाते, वही साला बीमारी में कैसा रखता, उसका भुगतान कौन भरे। 50 दिन से एक उधर हम लोग बैठे साले बंदी बनाकर, एक अंग्रेजी शासन साले गुलाम हो गए हम लोग, गुलामी गुलाम तो है ये, इधर भी नहीं कोई छोड़ रहा। अच्छा अच्छा डरते हैं हम लोगों को ना, जिसका लड़का रहता उससे दिल से पूछो। हाँ हम करना चाहिए कि किसी के यहाँ कैसे भी इन लोगों को फिट करके जाना चाहिए। माता राम यहाँ मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, अभी विदेशों से ना वंदे मातरम मिशन से भर भर का 40,000-50,000 साल एयर इंडिया से स्पाइस जेट से उसे बंदरगाह से लेके आ रहे मजदूरों के लिए 1100 आदमी एक काना से, यहाँ 30 लाख मुंबई में पब्लिक भरी है मजदूर, उसको बंदी बना के रखा हुआ है। कंपनी फैक्ट्री बोलता चालू कर रहे हैं, न कोई खाने का पूछ रहा माता, न कोई पीने का पूछ रहा है। 1-2 ट्रेन योगी सरकार भेजते, 1-2 ट्रेन में कुछ होने वाला नहीं है। 2.5 घंटे से यही बैठे पीने के लिए, पानी पीने के लिए गए ना तुम्हें भाई बना के वहाँ पे। हमको यहाँ की गांव जाएंगे ना तो मेडिकल हो जाएगा, तो कैसी तरह हम बाहर तो बचे रहेंगे, अगर ऐसे चले जाएंगे ना वहाँ भी प्रताड़ित किया जाएंगे, प्रताड़ित हम किया जाएंगे, माँ का कलेजा फटेगा। अगर मेरी जगह अगर तुम होते, अगर कोई होता, ये जो इधर अफसर बैठे हैं, जो डॉक्टर है, उनका भी कलेजा फटता अगर खाना से किसी मजदूर का होता। अभी हम लोग बचे हैं, कोई सुनी नहीं ना, कोई सुनी नहीं ना, पानी भी नहीं है, कोई लाख पानी पिला।